हाय फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, साथ में हम एक्सेस डेटाबेस भी सीख लेते हैं। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अपलोड होने वाले वीडियोज की अपडेट आपको हर दिन मिलता रहे। जैसे आप अपना YouTube पेज खोले तो मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख जाए, आपको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत ना पड़े। और मैं पहले बता दूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, DVD प्रोवाइड करता हूँ, तो हमारी इस YouTube ट्यूटोरियल के साथ साथ वो भी ले सकते हैं। और YouTube पे हमने सारे वीडियो नहीं डाली हुई है, हमने YouTube पे कुछ प्रमोशंस वीडियो ही डाली हुई है। तो YouTube के जरिए आप नहीं सीख सकते कंप्लीट, क्योंकि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर में। बेसिकली आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से आप कैसे नोटपैड की फाइल को एक्सेस करोगे, नोटपैड की फाइल में किस तरह से चीज होगी। जैसे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को, पर्टिकुलर सेंटेंस को आप अगर एक नोटपैड की फाइल में ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या VBA कोड करेंगे, ये आज आपके साथ हम देखने वाले हैं। हाँ, ट्रेनिंग लेने के साथ साथ से देखिए मत, अगर आपके पास नोटपैड या पेन है तो प्लीज इसको नोट भी करते चले जाइए, और मैं नंबर नोट कर लीजिए, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो या मुझसे ट्रेनिंग लेनी हो, मेरी DVD परचेज करनी हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर लिखते हैं कि डिम फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग। इसके बाद जो है टेक्स्ट TXT टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग। और हमें रो भी चाहिए, टी रो एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग। इसको एक लाइन में भी कर सकते, माफ कीजिएगा हमने डिम लगाना भूल गए, तो इसी गलती हो जाती है, क्या करें, हम भी इंसान ही हैं। और एक कॉल करना है डिम फाइल नंबर FN एज ए, नहीं FN तो ऑलरेडी है ना, एन कर देते हैं, एन एज ए इंटीजर, इसको इंटीजर रखना होता है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं ओपन फाइल नेम, एक मिनट। ओपन नहीं, ओपन नहीं होगा, यहां पे होगा FN फाइल नेम इक्वल टू, यहां देंगे हम जहां पे आपको फाइल सेव है। जैसे मेरा फाइल है 2016 के अंदर में TT.txt, और यहां पे हमने n इक्वल टू कर दिया ओपन FN फोर इनपुट इनपुट एज ए हैश एंड हम एक एक लाइन को चेक करने के लिए लिखते हैं डू व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल EOF, और इसके अंदर में हम कर देते हैं एन
एंड लाइन इनपुट हैश एन, सॉरी हैश करना होता है, हैश एन कॉमा टी आर, ठीक है। और टेक्स्ट डेटा में हम यहाँ पे कर देते हैं टी, यहाँ पे टी ई एक्स टी इक्वल टू रवि, पूजा कर देते हैं पूजा। और यहाँ पे हम करते हैं कि इफ, नहीं नहीं यहाँ पे एक हम वो कर सकते हैं टेक्स्ट टी ई एक्स टी टेक्स्ट होगा यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट एंड रोटिया देन लूप ओवर, एंड जहां पे टेक्स्ट को शो करना चाहते हैं यहां पे ए वन में, तो यहां हो जाएगा हमारा रेंज रेंज ए वन इक्वल टू text text। और इससे पहले हम क्या करते हैं लूप के बाद क्लोज हैश एक बार इसको रन करते हैं, नाम आ गया। बट ये नाम इस तरह से क्यों आया, मुझे एक एक करके नाम चाहिए था ना, वन बाय वन एक एक सेल में चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेंज इसकी वैल्यू है सेल्स 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 आई कॉमा टी आर इक्वल टू टी एक्स टी टेक्स्ट। और यहां पे एक मिनट इसको रन करके देखो मिसमैच, अच्छा नेम और सिटी टी आर इक्वल टू नेम इन सिटी हो गया वन। और यहां पे हो जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस वन, पूजा नेम सिटी एक काम करते हैं इसको हम टी आर कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा।
पूजा नेम सिटी इस तरह से आता है। तो इसको अलग अलग सेल्स में ला सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग सेल्स में। उसके लिए फिर हमें लाइन में लाइन को टेक्स्ट फाइल एडिट करना पड़ता है, एलओएफ लगाना पड़ता है, और कॉलम्स एंड रोज के साथ चलना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये समझ लीजिए इसमें क्या है कि इसको एक मिनट हटा देता हूँ, मैं कुछ और करना चाह रहा था लेकिन मैंने हटा दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया और यहाँ पे फाइल का डायरेक्शन, यहाँ पे फ्री फाइल। फ्री फाइल मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर्स चाहे जितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने फाइल को ओपन किया, एफ ओपन एफ एन फॉर इनपुट एज ए एन, और फिर हमने एक एक लाइन को यहाँ चेक किया और चेक करके अपने सेल पे लिख लिया। तो बेसिकली इस तरह की कोडिंग को हम करते हैं कि जब आपको क्या बोलते हैं कि एक टेक्स्ट फाइल में से एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है। उस डेटा इंपोर्ट करने के लिए तो नॉर्मली हम इंपोर्ट का सिस्टम वो लगा देते हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट करनी है, डेटा को रिप्लेसमेंट करना है उस केस में, तो इस केस में इस तरह का यूज करते हैं। तो आप धीरे धीरे इसको सीखते जाएंगे, आप अगर रिसर्च करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से और भी इसमें चीज़ें किया जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही, आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए और हमसे इसी तरह से वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग एडवांस एक्सेल डैशबोर्ड के बारे में सीखते रहिए। फिर हम आगे क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें और चीज़ें बताएंगे। आप अगर डिग्री लेना चाहें तो डिग्री ले सकते हैं, या फिर हमारे साथ लाइव क्लास लेना चाहें तो लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आपके साथ स्क्रीन पे मेरा वेबसाइट भी है, नंबर भी है, स्काइप आईडी भी है, कॉन्टैक्ट के सारे मीडिया में जब भी कॉन्टैक्ट करना चाहे फिर वीडियो के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।